नमस्कार। सामुद्रिक शास्त्र में शरीर के अंगों के फड़कने का रहस्य काफी कई जगह शुभ बताए गए हैं और कई जगह अशुभ भी बताए गए हैं। वो निर्भर करता है कि व्यक्ति के शरीर का कौन सा अंग फड़क रहा है इसके ऊपर। अब इसमें दो प्रकार से बताया गया है कि पुरुषों के शरीर का यदि दाहिना हिस्सा, पुरुष हैं तो पुरुषों के शरीर का दाहिना अंग यदि फड़के या फड़क रहा हो तो उनके लिए शुभ समाचार लेकर के आता है और उनके लिए सुखद होता है। वहीं ठीक इसके विपरीत पुरुषों का शरीर का बायां अंग या बायां हिस्सा फड़के तो उनके लिए अशुभ होता है, अशुभ समाचार लेकर के आता है। और स्त्रियों में, स्त्री जातक में इसके ठीक विपरीत हो जाता है। स्त्रियों का शरीर का बायां अंग फड़कना शुभ माना जाता है, उनके लिए शुभ समाचार लेकर के आता है, उनके लिए शुभ होता है, शुभ संकेत होते हैं। और वहीं स्त्रियों का दाहिनी अंग फड़के या फड़क रहा हो, अब चाहे दो दिन से फड़क रहा हो या तीन दिन से, लेकिन मुख्य रूप से यदि तीन दिन से भी फड़क रहा है तो उसका फर्क देखा जाता है, लेकिन तीन दिन से ज़्यादा अगर चार दिन पाँच दिन से फड़क रहा है तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता अंग विज्ञान के अनुसार, सामुद्रिक विज्ञान और सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार। स्त्रियों को इसलिए बामंगी भी कहा गया क्योंकि स्त्रियों के शरीर का बायां अंग का हिस्सा फड़कना या फड़फड़ाना उनके लिए शुभ समाचार लेकर के आता है। आज मैं जो उपस्थित हुआ हूँ वो इस जानकारी को लेकर उपस्थित हुआ हूँ कि शरीर के कौन से तीन हिस्से यदि आपके फड़क रहे हैं, चाहे आप स्त्री हों या आपके पुरुष हों, आप चाहे स्त्री हों या फिर आप पुरुष हों, तो कौन से आपके शरीर के तीन हिस्से फड़कते हैं, तो भविष्य में या निकट कुछ समय में आपको किसी न किसी प्रकार के लड़ाई झगड़े का, संकट का सामना करना पड़ सकता है, किसी लंबी लड़ाई का सामना करना पड़ सकता है। और आज के समय में लड़ाई झगड़ा का संकेत यदि मैं देखूं तो कोर्ट केस से भी इसका लेना जा सकता है, कोर्ट केस से भी इसको लिया जा सकता है। अब इसमें पहले मैं इसका फर्क बता देता हूँ, उसके बाद इसका प्रभाव बता देता हूँ कि शरीर का कौन कौन सा अंग फड़केगा तो इसका कब लड़ाई झगड़े और कब कोर्ट केस या मुकदमे की संभावना बनते हैं, उसके बाद इस पर हम विचार करेंगे इसका निदान क्या है। देखिए, सामान्य रूप से शरीर के अंग में यदि नाक का जड़, ध्यान रखिएगा नाक का ऊपरी सिरा और नाक का बगल नहीं, नाक का जड़, जो नाक का जड़ है वो यदि फड़के, अगर तुरंत फड़कना शुरू हुआ है तब तो कोई और बात नहीं, लेकिन एक दिन से, दो दिन से और तीन दिन से फड़क रहा है तो इसका गंभीर प्रभाव देखा गया है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं। और यदि तीन दिन से अधिक, चार दिन पाँच दिन या अन्य एक महीने दो महीने, तो इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, इसे भी देखा गया है प्रैक्टिकल जीवन में, अनुभव में पाया गया है। तो नाक की जड़ यदि आपका फड़फड़ा रहा हो तो भी ये लड़ाई झगड़े की स्थिति को दर्शाता है कि निकट में किसी के साथ आपकी मतभेद हो सकती है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, आपको सावधान रहना चाहिए और ये लड़ाई झगड़े कोर्ट केस तक भी जा सकते हैं। उसके बाद अब मैं चर्चा करूं तो केहुनी, यानी दाहिनी केहुनी जो है वो यदि फड़के, दाहिने हाथ की केहुनी। अब देखिए, दाहिनी हाथ की केहुनी, अब इसके लिए क्या है, तो इसके लिए आप यूं समझ लीजिए कि स्त्रियों का बायां हाथ का केहुनी फड़के तब किसी न किसी प्रकार के लड़ाई झगड़े के संकेत को ये दर्शा रहा है कि किसी निकट भविष्य में, चाहे आठ दिन दस दिन एक महीने के भीतर ही आपको किसी न किसी प्रकार का लड़ाई झगड़े झंझट का सामना करना पड़ सकता है। और पुरुषों का यदि स्त्रियों का बायां फड़के तो, और पुरुषों का दायां फड़के तो, अब इसमें ये समस्या उत्पन्न हो सकती है कि मैंने बताया कि पुरुष का दायां अंग शुभ होता है और शास्त्रों में भी बताया गया है, स्त्रियों का बायां अंग फड़कना, उनके शरीर के बाएं हिस्से का फड़कना शुभ होता है और दाहिने हिस्से का फड़कना अशुभ होता है, ऐसे कैसे, लेकिन प्रैक्टिकल में देखा गया है। दो स्थिति तो मैंने बता दिया, पहला नाक की जड़ें, दूसरा केहुनी, तीसरा जो है वह है दोनों कंधे। इसे सामान्य रूप से अमूमन अधिकांश लोग जानते होंगे और जो लोग नहीं जानते जान लीजिएगा, दोनों कंधे यदि दोनों कंधे एक साथ फड़क रहे हों तो निकट भविष्य में किसी न किसी प्रकार का लंबी लड़ाई, लड़ाई झगड़े के झंझट को दर्शाता है, ये लड़ाई झगड़े कोर्ट केस तक भी जा सकता है।
अब इसमें एक प्रश्न उठ रहा होगा आपके मन में कि एक स्थिति के बारे में तो समझ में आ गई कि केहुनी का फड़कना चाहे पुरुष का हो या स्त्री का, स्त्री का हो तो बायां अंग बाएं हाथ का केहुनी फड़कना उनके लिए लड़ाई झगड़े को दर्शाता है, और पुरुष हैं तो उनके लिए दाहिने हाथ की केहुनी को फड़फड़ा रहा है तो ये उनके लिए लड़ाई झगड़े की संभावना को बढ़ाता है। अब इसमें दो स्थिति समझ में नहीं आई होगी कि नाक की जड़ फड़फड़ाए और दोनों भुजाएं फड़क रहे हैं। अब दोनों भुजा फड़क रही है और नाक की जड़ भी फड़फड़ाए, तब हम किसे माने? तब इसमें स्त्री और पुरुष का कोई भेद नहीं होता। क्यों? अब नाक का जड़ है तो आप इसे दायां और बायां जोड़ के देखेंगे। अब दोनों भुजा की जहां पर चर्चा चल रही है वहां पर आप दाहिना और बायां जोड़ कर लेके चलेंगे, दाहिनी और बायीं जोड़ के चलेंगे? नहीं, वो केहुनी के ऊपर केवल मात्र निर्भर करता है, नाक की जड़ें फड़फड़ा रही है या फड़क रही है या फिर दोनों भुजाएं एक साथ फड़क रही है दोनों कंधे। तो आप जान लीजिए कि निकट भविष्य में आपको किसी न किसी प्रकार का लड़ाई झगड़े का सामना करना पड़ सकता है। ये अंग शास्त्र के अनुसार, सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार शरीर के अंगों का फड़कने का महत्व है। ये सामान्य रूप से जो कि शास्त्रोचित बात है और प्रैक्टिकल में देखा भी गया होगा और देखा भी गया है।